लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इस दौरान मोदी ने केदारनाथ में बनी पवित्र गुफा में भी ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री को ध्यान लगाते देख अब आम लोग भी केदारनाथ की गुफा के बारे में जिक्र करने लगे हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक गुफा से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में आपको बताते हैं। इस गुफा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। केदारनाथ विकास धाम की जिम्मेदारी संभालने के बाद पीएम मोदी ने ही इस गुफा को बनाने के निर्देश जारी किए थे। इसका नाम रुद्र गुफा है। गुफा का निर्माण पिछले साल ही किया गया था। ये गुफा 12,250 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल श्रद्धालु विधिवत रूप से कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जिस गुफा में साधना की है, ये गुफा कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि भूमिगत है। ये गुफा गढ़वाल मंडल विकास निगम की टूरिज्म प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो सिर्फ 3,000 रूपए देकर इस गुफा में एंट्री ले सकते हैं। ये किराया गुफा में 3 दिन रहने के लिए मान्य है, यानी गुफा में रहने का 1 दिन का खर्च 990 रूपए होगा। ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक शांति के लिए बनाई गई इस गुफा में सुविधा की सभी चीजें उपलब्ध हैं। ये गुफा टॉयलेट, बिजली और टेलीफोन जैसी आधुनिक सुविधा से भी लैस है। आप फोन के जरिए किसी तरह की सहायता ले सकते हैं। इस गुफा में बैठकर आप खाना, नाश्ता, चाय, डिनर बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। केदारनाथ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की साइट पर जाकर गुफा में रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।